कुंभ के मेले से हमारे साथ महाराज जी हैं, और महाराज जी से हम जानेंगे कि इस साल जो कि प्रबंध है वो महंत योगी आदित्यनाथ ने किया है, तो महाराज जी इस साल का जो प्रबंध है वो किस तरह का आपके हिसाब से अच्छा है पिछले सालों के मुकाबले? देखिए, जो प्रबंध है मेले का वह तो सरकार करती है, और यह मेला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। यह बात अलग है कि योगी जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनकी भावनाएं अच्छी हैं और वो इस मेले को अच्छा बनाना भी चाहते हैं, किंतु यहाँ मेले में जो अधिकारियों की टीम लगी है वो बहुत सजग नहीं है। अभी भी व्यवस्थाएं अधूरी पड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे टेंट हैं जहां शौचालय नहीं बने हैं। अभी आह्वान जैसे अखाड़े में भी लड़ झगड़ के शौचालय बने हैं। जो साधु संतों को जो सुविधाएं और जनरल यात्रियों को, सामान्य यात्रियों को भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पर ध्यान प्रशासन का नहीं है। केवल हर की जो ये संगम क्षेत्र है और कुछ बसों को रंग दिया गया है, रेल को रंग दिया गया है, संगम आने जाने वाले रास्ते पर बिल्डिंगों को रंग दिया है, और विदेशी मीडिया और ये सब सोसोबाजी में ज़्यादा मुझे लगता है कि खर्चा हो रहा है। धरातल पर जितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी भी मेले में बहुत अव्यवस्थाएं हैं। आज भी इतनी धूल, सबसे बड़ी तो शौचालयों की बहुत दिक्कत यहाँ पर है, और एक जो बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ संतों ने हमको कहा है और हमको भी हमारे भी प्रबंधकों को अनुभव हुई है कि प्रतिदिन प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक 7-8 घंटे अधिकारियों के केवल मीटिंग में बीत रहे हैं, बैठकों में बीत रहे हैं। जिन अधिकारियों को ऑफिस में बैठकर काम करना चाहिए, फील्ड में काम करना चाहिए, तो कभी कोई केंद्र से आ रहा है, कभी राजधानी से आ रहा है, तो कभी योगी जी भी कई चक्कर लगा दिए, और भी बहुत लोग मीटिंग ही मीटिंग। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए और जो यहाँ परंपरागत अपना शिविर लगाते हैं वो लोग मेला कार्यालय जाते हैं, वहाँ अधिकारी मिलते नहीं, पता लगता है कि वो मीटिंगों में हैं, और रात को 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद वो कार्यालय आ रहे हैं। उसके बाद अधिकारी भी इतने थक जाते हैं कि वो किसी काम के नहीं रहते। महाराज जी, जैसे कि इस साल जो मेला लगा है वो पिछले साल के मुकाबले बेहतर है? अभी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज पहला स्नान कल होने जा रहा है, लेकिन संगम क्षेत्र को अगर छोड़ दें तो बाकी पूरे क्षेत्र में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मेला सज गया, अभी भी सब अधूरा पड़ा है। महाराज जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि राम मंदिर को लेके अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो आपका उस पर क्या राय है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम मंदिर पर कोई सार्थक काम नहीं करती है तो यही माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरह से करोड़ों करोड़ों लोगों की जनभावनाओं के साथ कहीं ना कहीं धोखा किया है, क्योंकि उन्होंने कहा था हम सरकार में आएंगे तो मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, मंदिर के नाम पर ही उनको वोट मिला और उनको ये बहुमत मिला है, और आज जब वो कहते हैं कि हम कोर्ट के निर्णय की ओर देख रहे हैं तो कोर्ट की बात तो मुलायम सिंह भी करते थे, कांग्रेस भी करती थी, मायावती भी करती थी, सभी करते थे, फिर कौन सी नई बात है? महाराज जी, अगर इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर मंदिर नहीं बनता है तो आगे आप लोगों की फिर क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? देखिए, निश्चित रूप से साधु समाज असमंजस की अवस्था में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये साधुओं को विश्वास दिलाया था और कहा था कि हम मंदिर बनवाएंगे,
लेकिन आज वो मंदिर की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे एजेंडे में नहीं है। तो एक साधु संतों में एक निराशा है, और हो सकता है कि चुनाव में इस निराशा का परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़े। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि धरातल पर इस मेले में आज भी बहुत सारी असुविधाएं हैं, जबकि राम मंदिर को लेके महाराज जी का यह कहना है कि अगर राम मंदिर सीमित समय में नहीं बनता है तो पार्टी को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। शहजाद आबिद के साथ कैमरामैन लोकेश गोस्वामी, 10 न्यूज़, प्रयागराज।